CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आज केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दामोदर राय के सौजन्य से वृद्धा आश्रम में इकट्ठा होकर मनाया गया। वृद्ध आश्रम के सभी वृद्ध लोगों को शाल, फल, मिठाई बांटकर और पुष्पहार पहनाकर किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में सीहोर जिले के विधायक सुदेश राय ने आकर सभी वृद्ध लोगों से भेंट वार्ता की तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर सभी को बधाई दी। भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जन्मदिन पर वृद्ध आश्रम में अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उनके जन्मदिन को एक दूसरे को बधाई देकर हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम की संरचना भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत की उपस्थिति में की गई। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नरेश मेवाड़, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष प्रिंस राठौड़, पूर्व अध्यक्ष सीताराम यादव सहित अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जन्मदिन मनाया गया, उसके बारे में आपका कहना चाहिए? आज बड़ा शुभ दिन है, साल का प्रथम दिन है और हमारे देश प्रदेश के विख्यात राजनीतिज्ञ महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन है, जो आज यहाँ वृद्धाश्रम में हमारे सीहोर के वरिष्ठ नेता आदरणीय दामोदर राय साहब, आदरणीय राजेंद्र भाई साहब के उपलक्ष में इनके सौजन्य से यहाँ फल वितरण एवं शाल वितरण करा है। मैं दामोदर भाई साहब को, राजेंद्र भाई साहब को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ काम, और शुभ काम वो भी जब हो, जब हमारे महाराज का जन्मदिन है तो और सोने पे सुहागा हुआ। आज मैं अपनी तरफ से इन दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरे मन की भावना जो हमेशा रहती है, 365 दिन अच्छा काम हो, सीहोर का विकास हो, सीहोर का हर वाशिंदा एक खुले वातावरण में जिए और सीहोर कोई भी कम बड़े शहर से कम ना आका जाए, यही मेरी कामना रहती है। और आज भी मैं यही कामना करता हूँ कि सीहोर पर हमेशा माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आशीर्वाद रहता है और इस नए साल में भी हम अनेक सौगातें सीहोर के लिए लाएंगे, वो धरातल पर मैं अतिशीघ्र आप लोगों के समक्ष बताऊँगा। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट।